हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट बाय कमलेश सर में। यहाँ पे हम नवोदय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है बेसिकली NBS में, तो उसकी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड करा दिए। आप लोग की काफ़ी डिमांड पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड का करियर कोर्स ला रहे हैं जिसमें हम टोटल 20 पार्ट लाएंगे, 20 पार्ट जिसमें आपके पूरे सिलेबस कवर करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा एक ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चन आपको 10-15 ही पूछेंगे, चाहे वो TGT हो चाहे PGT। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, इसके लिए हम लेके आ रहे हैं अपना और क्रैश कोर्स। ये हम CQ फॉर्म में होगा, ठीक, जिसमें आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक। आप लोग बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं सर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कब चालू होगी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की हम लोग MCQ फॉर्म में क्लास लेके आए हैं। अगर आप लोग NBS की तैयारी कर रहे हैं, अगर भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को हिट कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर ऑनलाइन आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बेसिकली शिक्षण अभिरुचि, यह हमारे डिफरेंट एग्जाम NBS, KBS, UGC, BEd, CTET, PRT, TET, TGT, PGT विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। इसके लिए यह इंपॉर्टेंट है, यह पहला पार्ट है, यह इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। हम बताएं, आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो लेके मैं आया हूँ आपके लिए। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको अगर बात करें, पहले क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अध्यापक को निम्न में से किससे महत्व देना चाहिए। अध्यापक को, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक टीचर बन जाते हैं, तो निम्न में से 4 ऑप्शन, उनमें से आप किसे सबसे ज्यादा महत्व देंगे, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड यही है कि आप क्लास को कैसे मैनेज करते हैं, क्लास में आपकी जिम्मेदारियां क्या है छात्रों के प्रति, अगर क्लास में कुछ अवहेलनाएं होनी तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक। तो आइए, क्वेश्चन पर अगर इसका उत्तर पता है, 4 ऑप्शन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताइए। देखिए, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, ठीक, ये तो होगा नहीं, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, अगर छात्रों के भविष्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये महत्व तो हो सकता है, लेकिन अब अगला ऑप्शन देखते हैं क्या होता है, कक्षा में समर्पण के भाव एवं शिक्षण करना। अच्छा है, जब आप कक्षा में समर्पण के भाव देंगे तो और शिक्षण करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं, यानी हमारा ऑप्शन तीसरा सही है, यानी ऑप्शन ग, तो इसका पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन ग हो जाएगा, ठीक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या होगा इसका, ठीक, मैंने तो बता दिया आपको। अब अगले क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर दें, ठीक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है। अध्यापक को जब आप एक टीचर बन जाते हैं तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या हो सकती है एक टीचर के लिए। तो अब 4 ऑप्शन देख लेते हैं, उसकी नौकरी, उसके शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ठीक। अध्यापक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि छात्रों का विश्वास उस पर बना रहे, यानी 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ग, यानी छात्रों का विश्वास अगर उस पर बना है तो ऑटोमेटिक उसकी नौकरी भी फिक्स रहेगी, उसकी गरिमा और मर्यादा भी बनी रहेगी, ठीक, यानी ग ऑप्शन सुटेबल है, ठीक। देखिए, इसमें सुटेबल क्वेश्चन आपको चूज करने रहते हैं, सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा हटके आपको देखने को मिलेगा, इसमें कथन दिए गए हैं, ठीक, यदि कथन सत्य है तो आपको क नंबर का ऑप्शन चुनना है, अगर कथन सत्य है तो आपको ख चुनना है, यही चीज कथन पे ही है कि यदि कथन सत्य है तो उत्तर क चुने, यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा, यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर ग होगा, यदि कथन दुराग्रह हो तो उत्तर घ होगा। अब देखिए, कथन क्या है, कि आपको कथन जो लोग सुन रहे हैं, देखिए अब इसमें कथन दिया, जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं, वे कभी ऐसे शिक्षक नहीं बन पाते। मतलब एक कथन दिया गया है कि जो लोग शिक्षा के व्यवसाय को अंतिम अंतिम विकल्प के रूप में अपनाते हैं मजबूरी में, तो क्या वो ऐसे शिक्षक नहीं बन सकते। नहीं, यह ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ऐसे शिक्षक बने हैं, तो यानी यह दुराग्रह से ग्रसित है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका घ, यानी घ में यह दुराग्रह है, इस कथन में दुराग्रह है, ऑप्शन घ, ठीक। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा। अगले उत्तर का फटाक फटाक बताएं, देखिए इसमें भी है, क्या दिया है, नीचे
दो आधारिकाएं तथा निम्न निष्कर्ष दिया जा रहा है। यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो उत्तर क, यानी अगर निष्कर्ष भी सत्य है और आधार भी सत्य है तो उत्तर क, यदि आधारिका और निष्कर्ष दोनों सत्य है तो ख, यदि आधारिका असत्य किंतु निष्कर्ष सत्य है तो उत्तर ग, यदि दोनों आधारिका सत्य है और निष्कर्ष सत्य तो घ। तो अब आधारिका मतलब कथन देख लेते हैं, कथन क्या दिया है। ये आधारिका का मतलब आप कथन से ले लीजिए, कथन, एक कथन है, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य। इस तरह के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में काफी पूछे जा रहे हैं, एनबीएस में, केबीएस में, तो इस तरह के आप रीजनिकल थॉट पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सभी मनुष्य मरणशील हैं और राम एक मनुष्य है, यानी देखिए मन, ये तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही लग रहे हैं, तो इसमें चार वाले का ऑप्शन हो जाएगा क, यानी आधार भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, ठीक, यानी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। पांच का देखते हैं, पांच नंबर आपकी दृष्टि में, यानी पांच नंबर फटाक आंसर दीजिए, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है, आपकी दृष्टि में, यानी एज ए टीचर, एज अ टीचर, एज ए टीचर आपको टाइम टेबल के बारे में सबसे सुटेबल चीज क्या है, ठीक। तो इसका चार ऑप्शन देखेंगे, कठिन विषयों को कालांश सुबह में रखे जाए, मतलब जो कठिन विषय हैं उसका शुरुआत जो है सबसे पहले ही रख दिया जाए तो ये तो बोरिंग हो जाएगा सब्जेक्ट। दो कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय कालांश रखा जाए, जैसे इसमें एक आ रहा है कि जैसे पहले पीरियड दूसरे पीरियड में कठिन दे दिया गया, उसके बाद एक आसान दे दिया जाए, तो ऐसा बनाया जाए नहीं कि एक लगातार चार पांच विषय आपके जो हैं कठिन ही दे दिए जाए। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन, कालांश में क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो, यानी कालांश में क्रियाएं भी हो जैसे पीटी, लंच, इस तरह से उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सुटेबल आंसर है पांच का ख, यानी दो कठिन विषयों कालांश में एक समान विषय का, एक आसान विषय का कालांश रखा जाए, मतलब जब भी टाइम टेबल आप बनाएं टाइम टेबल तो दो विषय के बाद एक इजी विषय हम रख दें, ठीक, ये होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे कि दो कठिन विषय के बाद, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ख। अब क्वेश्चन नंबर 6 से बात करें, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप क्या सुझाव, आपका क्या सुझाव है। अगर आप प्राइमरी कक्षा में हैं तो इसकी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए क्या सुझाव है आपके लिए एज ए टीचर। सब पॉइंट आपको एज ए टीचर देखना है, ठीक। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, मतलब कि अध्यापक जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं, इसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधार किया जाए, यानी स्कूलों में समय समय पर निगरानी की जाए, ठीक। और ग क्या है, कक्षा एवं वर्गों की संख्या में संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यानी जो 3:30:1 का अनुपात है इस अनुपात में नियुक्ति की जाए, स्कूलों में निगरानी की जाए, अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित, यानी तीनों ऑप्शन ये सही हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी 6 का घ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करता है, व्हाट टाइप ऑफ टीचर स्टूडेंट मोस्ट लाइक, मतलब किस प्रकार के टीचरों को छात्र पसंद करता है। ये भी एक अच्छी है कि क्वेश्चन है कि किस प्रकार के, देखिए जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता हो, ये भी सही है कि जो उनकी समस्याओं को हल करे उनमें रुचि लेता हो, जिससे उनके शारीरिक दंड का भय ना हो, ठीक। ये भी है कि टीचर से अगर आप डरे नहीं तो उसको हम लोग लाइक करते हैं, अपने पे लेके देखिए हमारे स्कूल समय में जो टीचर हमें मारते नहीं तो हमें अच्छे लगते थे, जो टेस्टों की कापियां जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्टि पोषण कर दे, और हम लोग जब टेस्ट देते थे तो भाई हमें इंतजार रहता था कि हमारी जो कापियां हैं तुरंत हमें मिल जाए, लेकिन जो टीचर 1-2 दिन लगा लेता था हमने, यानी ऑप्शन तीनों हमें सही है, तो उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों करेक्टर स्टिक वाले टीचरों को छात्र जो है पसंद करते हैं, ठीक, ये हो जाएगा घ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा का जो होता है प्रचार और प्रसार से क्या होता है, लोकतंत्र की, लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक, यानी क पहला ऑप्शन, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, उपरोक्त सभी। इसमें फटाक दे आप लोग कमेंट करिए क्या होगा,
चलिए आप लोग 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी सोचिए क्या हो सकता है कि शिक्षा अगर का प्रचार प्रसार शहरों से लेके गांवों तक और पीछे इलाकों तक कर दिया जाए तो क्या हो सकता है। फटाक से ऑप्शन लिखिए। अगर हाँ बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, उपरोक्त तीनों शिक्षा प्रसार तो लोकतंत्र भी मजबूत, डेमोक्रेसी भी मजबूत होगी, इकोनॉमिक्स भी मजबूत होगी और हमारा जो अंधविश्वास है ये भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। ठीक, यानी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। ठीक, 9 नंबर पे बात करें, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र सोते हुए पकड़े गए, ऊँघते का मतलब सोते हुए, ठीक सोते हुए पाए जा रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या रीजन, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ठीक ये भी सही कह रहे हैं, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि छात्रों में कोई कमी हो या उनमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हों या शिक्षण जो कार्य कराया जा रहा हो बोरिंग हो तो नींद आ रही हो, जैसे कि हम लोग अपने स्कूल टाइम में अगर कोई सब्जेक्ट मैथ के टीचर आ जाए समझ में नहीं आ रहा तो नींद आना स्वाभाविक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती, यानी नेचुरल एटमोसफेयर नहीं रह सकता, जो भौतिक आर्टिफिशियल जो एटमोसफेयर है उसमें कुछ न कुछ कमी है, यानी हमें तो तीनों लग रहा है, तीनों सही है, आप बताइए क्या हो सकता है। 10 सेकंड का समय ले लीजिए, सोचिए क्या हो सकता है अगर कक्षा में अधिकांश छात्र रुकते हुए पाए। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तुरंत लाइक करें, कॉमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो ये सीरीज जो चला रहे हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की कैसी लग रही है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा, नहीं वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तीन ऑप्शन क्या है, वह जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, यानी ऐसे अध्यापक जो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंटों से ये मतलब नहीं है क्योंकि उनके समझ में आ रहा है वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा है वह जो समय पर कक्षा में आता है पर इस बात का कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय पर कक्षा में आए, यानी वो अध्यापक जो कक्षा में समय से आए लेकिन विद्यार्थियों की केयर न करे वो भी समय से आ रहे हैं कि नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या हुआ, जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, यानी ऐसे टीचर जो तो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता लेकिन हमेशा विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है कुछ सीखने को, नई चीजें जानने को, सब्जेक्ट की गहराइयों तक जाने को। फटाक दे बताइए आप लोग इस ऑप्शन में से क्या होगा, तीन ऑप्शन चलिए आप लोग के लिए तीन ही ऑप्शन है तो इसमें फटाक दे बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, पहला होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा वह अध्यापक जो विद्यार्थियों को मोटिवेट करे। ठीक, तो यानी ए हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। आप ये आज का सेशन खत्म करते हैं, ये 10 क्वेश्चन का सेट रहा, आप लोग जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो लग रही है, अगर आप हमारे भविष्य में नवोदय विद्यालय की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, हम आपको एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं आपको साथ लेके चढ़ना चाहता हूँ, नो डाउट इस चैनल से मैं भविष्य में जरूर न जरूर नवोदय विद्यालय परीक्षा में टीचरों को अधिक संख्या में सिलेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ओल्ड पेपर क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, पुरानी सीरीज चला रहे हैं, जीएस की सीरीज चला रहे हैं, आपको जो चाहिए हमें कॉमेंट करिए, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वो भी कॉमेंट करिए उसको भी लाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।